दोस्तों, क्या आप भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म का इंतजार कर रहे थे? जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इंतजार कर रहे थे तो वो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से जो है कि उसके एंट्रेंस एग्जाम को लिंक एक्टिव कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉली आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि जो है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से कौन कौन से फॉर्म को एक्टिव कर दिया गया। जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कई सारे कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो मैं आपको बता चलूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है कि नर्सरी के एग्जाम करवाए जाते हैं, वह 1 से 9 तक के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी एडमिशन लेना है उसके भी जो कि एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं, 11 के भी एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं अलग अलग में, जैसे कि बायो, आर्ट्स, साइंस जितने भी होते हैं उनके अलग अलग एग्जाम करवाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो कि लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो लिंक एक्टिव देखने के लिए सबसे पहले आपको एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर रीड करनी पड़ेगी। तो ये पीडीएफ फाइल का लिंक जो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फाइनली जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर देखिए जो फोन नंबर यहाँ पर दिया गया, जैसे मुशीर फातमा नर्सरी स्कूल, यहाँ पर नंबर वगैरह डायरेक्ट दिए गए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो है कि जनरल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर देखें सबसे जो है कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके फॉर्म को जो कि 5 मई से लेकर फाइनली 4 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन बात है, फाइनली अभी जो है कि नर्सरी के निकाले गए हैं, और जो है कि यहाँ पर 1 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, उसके बाद 11 साइंस, 11 जो है कि आर्ट, 11 कॉमर्स के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकाले गए हैं। फाइनली दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इसकी डेट देख सकते हैं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। यहाँ पर देखें 22 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम 9:30 बजे होने वाले हैं। यहाँ पर जो कि अलग अलग टाइमिंग बताएगी, बट आप इस फॉर्म को जो है कि 5 मई से लेकर 4 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब आपको मालूम हो चुका है कि आपको फॉर्म कौन कौन सा एक्टिव कर दिया गया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मतलब ये कि बी बीटेक या फिर कहें बी काम वगैरह के जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है उनके लिए अभी फॉर्म को लिंक को एक्टिव नहीं किया गया, शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसको भी लिंक को एक्टिव कर दिया जाए। दोस्तों, आपको कोई भी भाई जो है कि नर्सरी में या फिर 6, 7, 9 या फिर 11 साइंस, आर्ट, कॉमर्स में जो है कि भाग लेना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, फाइनली दोस्तों आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको फॉर्म फिल करना है, तो फाइनली जो है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। शायद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी यही होगी कि आप जो है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म को कैसे फिलअप करें। दोस्तों, आपको और जानकारी चाहिए तो फाइनली आप नीचे जाएँ, और यहाँ पर जो है कि अलग अलग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पर डीप में बताई गई। ठीक है, आप लोग एक बार इसको जो है कि रीड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर जो है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यहाँ पर स्कूल देख सकते हैं, जैसे कि मुशीर फातमा नर्सरी स्कूल, तो यहाँ पर इसके आप डिटेल ले सकते हैं कि इसको फॉर्म फिलअप करने में आपको जो है कि कितने चार्जेस, जैसे कि फीस जो लगती है वो कितनी होगी इस फॉर्म में जो कि दिया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें फीस बताई गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपको एडमिशन फीस वगैरह यहाँ पर पूरी डीप में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यही होगी कि आप जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम को कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, उसके बाद जो है कि वीडियोज़ को लाइक कर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।